जनता के बीच इतनी दूरियां हैं जो कभी कम होने का नाम ही नहीं लेती। उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उन्हें एक साथ देखना तक पसंद नहीं करते। लोग आस्था और अदिति आए हैं गोवा। वहाँ रास्ते से जाते वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्लोक जैसे ही कार से बाहर उतरकर मुंह धोने गए, अदिति ने तुरंत कार से उतरकर उसका हैंडब्रेक निकाल दिया। उस गाड़ी में हमारी आस्था नींद में थी। कार आपे से बाहर हो गई और साथ में आस्था को लेकर निकल गई। लेकिन अदिति, हमें ये तो बताइए कि आप इन दोनों के बीच में क्यों आना चाहती हैं? बोलो घटी है, मैं कबाब हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली हाँ, वो किसी और का पति, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। कोई हो एक्चुअली जो ये कर रही है वो किसी के अगेंस्ट नहीं कर रही है, वो नहीं, वो उसको पर्सनल कुछ है नहीं आस्था के साथ या कुछ है। वो अपने एक मोटिव चाहिए जो आपको क्लियर होगा, पर इट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर एट दी एंड, जो बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड करेंगे क्राइसिस में या मुसीबत में ही पास आ रहे हैं। तो मैं भगवान हूँ, मैं मुसीबत बन गया पास लाने के। बात तो हमारे श्लोक बाबू ऐसा भागे मानो जैसे उनकी जान ही निकल गई हो। आखिरकार हमारे श्लोक ने अपनी आस्था को बचा ही लिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को टाइट हग भी किया। क्या कहेंगे आस्था, आखिर आपको अपने पति से प्यार हो ही गया? हाँ हाँ, मैं तो मतलब अब तो फुल टू, मैंने तो इजहार कर दिया है, मैं तो फुल ऑन इन लव विद हिम हूँ। तो उनकी कंसर्न देख के तो मैं डेफिनेटली खुश हूँ। तलाक? हाँ हाँ, वही तो इतना लेट रियलाइज हुआ, काश जल्दी रियलाइज हो जाता। हम लोग तो निकले थे रोड ट्रिप के लिए, मेरे साथ हादसा हो गया। हालांकि मैं और मुसीबतें हमेशा पैरेलली चलते हैं और एज यूजुअल मुझे बचाते हैं, माय हीरो। इसे साथ लाना कहते हैं? बहुत अच्छा, तो साथ ला रही है। दो अलग करना क्या होगा? इसी गाड़ी की ब्रेक छोड़ के मार देना, साथ लाना कहते हैं। वाओ, नहीं मेरे कोई कर्मों के फल नहीं। अरे तो मैं क्यों भुगत रही हूँ? मुझ पे आ रहा है अदिति का गुस्सा सारा। अदिति का गुस्सा क्यों है मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। मुझ पे क्यों है ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्या किया था मैंने स्वाति के साथ? तो नहीं जानते कि आखिर अदिति ऐसा क्यों करना चाहती हैं। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद एक बात तो तय हो गई कि हमारे श्लोक को आस्था की बड़ी फिक्र है। चलिए श्लोक बाबू, आज नहीं तो कल धीरे धीरे आपको भी आस्था से प्यार हो ही जाएगा। कैमरामैन मंगेश के साथ रुचिका सिंह, इंडिया फोरम्स, मुंबई।